नमस्कार दोस्तों, ये मेरे पास सैमसंग का सेट आया था। इसमें सेट कभी ऑन हो जाता था, कभी नहीं होता था, और सारे वो ये पैनल VCC के वोल्टेज अप डाउन हो रहे थे। और इसका BL जो ऑन सिग्नल है उसमें प्रॉब्लम थी, ये IC सही से वर्क नहीं कर रही थी। मैं इसको चिपका दिया हूँ, इसको रीसोल्ड भी करके देख लिया, फ्लैश भी करके देख लिया। अब मैंने इसमें क्या क्या यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है जिससे ये प्रॉपर हो गए, और इधर से मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ से एक वायर रिमूव कर दिया, और इसको मैंने अच्छे से टेपिंग कर दी है, और इसमें भी टेप कर दिया है एक रेजिस्टेंस में। और अब ये देखिए बैक लाइट सही है, ये वोल्टेज चल रहे हैं। मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ये 12 वोल्ट है पैनल के, सेट मेरा डन हो गया। इसकी ये प्रोसेसर ख़राब है जिसकी वजह से सेट बार बार स्टैंड बाई में ब्लिंक कर रहा था, रेड लाइट ब्लिंक कर रहा था ये, और सेट ऑन नहीं हो रहा था। मैंने फ्लैश IC भी दोबारा फ्लैश करके प्रोग्राम करके देख ली मैंने, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब मैंने ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ ऐड किया है, एक यहाँ किया है, और इसे रिमूव किया है, सेट मेरा ऑन हो गया। ये देखिए मैं यहाँ से सेट को ऑफ करता हूँ, अब मैंने ये ऑन कर दिया, ये देखिए सेट मेरा ऑन हो गया।